आज की यह वीडियो रीजनिंग से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को इतना लिखा जाता है तो जोकर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने पर इसका सही आंसर निकलेगा। चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, पॉकेट POCKET पॉकेट को लिखा जाता है JJYHCS। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग P का 16, O का 15, C का 3, K का 11, E का 5 और T का 20, J का 10, फिर J का 10, Y का 25, H का 8, C का 3 और S का 19। ठीक, अब क्या होगा, P को अगर हम J से मिलाते हैं 16 में से 6 घटाओगे तो 10 आएगा। अब O को अगर J से मिलाते हैं तो -5 घटाओगे 15 में से तो 10 आ जाएगा। C में से अगर हम 4 घटाएंगे तो Y आ जाएगा। अब C वाला समझ लेते हैं, 3 है, 3 में 26 जोड़ दो और 4 घटा दो तो 26 3 29 में से 4 घटाओगे क्या आएगा, 25 आ जाएगा ना, वही यहाँ पर है। ठीक, ई के वाला नहीं मिलाया अभी, के 11 पर है और इसमें से 3 घटाएंगे तो 8 3 11 8 आ जाएगा। ठीक, और फिर इसके बाद नेक्स्ट को मिलाते हैं सी से, तो 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह है टी 20 पर है ना, तो 20 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा ना। वैसे ही हमें इसका निकालना है, किसका भाई, JOCKER जोकर का, कैसे होगा, 10 15 15, 3 के का 11, E का 5 और R का 5, R का 18। क्या होगा, यहाँ पर हमने जैसे क्या किया, 6 माइनस किया कितना आएगा, 4 4 का मतलब D, इसमें से 5 माइनस किया आ गया 10 10 का मतलब J। नेक्स्ट यहाँ से हम माइनस करेंगे 4 तो आएगा 25 25 आएगा, इसका मतलब Y। फिर K में से घटाएंगे 3, 8 3 11, यहाँ पर 8 आएगा, इसका मतलब H। E है यहाँ पर, -2 करेंगे, 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, मतलब C। R में से -1 करेंगे आएगा 17 17, मतलब Q। तो हमारा जो है मन आ गया DJYHCQ, तो DJYHCQ, इसमें HCR है, DJYHCR Q है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।